हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हु हैज सीन द विंड। हु हैज सीन द विंड, विंड का मतलब होता है बच्चों हवा, विंड का मतलब हवा। तो कहता है हु, कौन हैज सीन, देखा द विंड, किसने हवा को देखा, हवा को किसने देखा। हु हैज सीन द विंड, इस चैप्टर का नाम है हु हैज सीन द विंड, किसने हवा को देखा। चैप्टर नंबर 11 है, विच इज टेकन फ्रॉम क्लास थर्ड चैप्टर 11। हु हैज सीन द विंड, यहाँ देख रहे हैं आप हवा का झोंका चल रहा है, तो वृक्ष सब आपस में टकरा रहा है, ये बूढ़े बाबा का टोपी भी उड़ गया है, इसी के बारे में इस पर चर्चा किया जाएगा। कहता है कि हु हैज सीन द विंड, नाइदर आई नॉर यू, बट वेन द लीव्स हैंग ट्रेवलिंग द विंड इज पासिंग थ्रू। क्या कहता है, हु हैज सीन द विंड, किसने हवा को देखा है, हवा को किसने देखा है। नाइदर आई नॉर यू, नाइदर का मतलब हुआ बच्चों नहीं, मैं, आई का मतलब मैं, नॉर मतलब मैं कोई, यू, नाइदर आई नॉर यू, नहीं मैं और नहीं तुम, नाइदर आई नॉर यू, नहीं मैं और नहीं तुम। कदा हु हैज सीन द विंड, किसने हवा को देखा है, तो कहता है नाइदर आई नॉर यू, नहीं मैंने देखा हवा को और नहीं तुमने देखा है। बट वेन द लीव्स हैंग ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग का मतलब बच्चों होता है कंपकपाना या थरथराना या हिलना डुलना। बट का मतलब होता है लेकिन, वेन मतलब जब, द लीव्स मतलब पेड़ की पत्तियां, हैंग मतलब लटक लटके हुए। बट वेन द लीव्स हैंग, जब जब लेकिन जब पेड़ की पत्तियों जब लटके रहते हैं, ट्रेम्बलिंग कपकपाते हैं पेड़ों पर, हिलते डुलते हैं, द विंड इज पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू का मतलब बच्चों होता है किसी चीज़ से होकर गुजरना, तब पता चलता है कि हवा कि हमारे ओर से या हमारे किसी भी वस्तु की तरफ से गुजरा है। तो फिर से देखिए इसको, हु हैज सीन द विंड, नाइदर आई नोर यू, बट वेन द लिप्स हैंग ट्रेम्बलिंग, द विंड इज पासिंग थ्रू। किसने हवा को देखा है, ना ही तुमने देखा है ना ही हमने देखा है, लेकिन जब भी हवा की पत्तियों को हिलते हुए देखते हैं, हवा के टंगे हुए पत्तियों को हिलते हुए देखते हैं, कपकपाते हुए देखते हैं, द विंड इज पासिंग थ्रू, तब लगता है कि हवा चली है, हवा बही है। लास्ट स्टेशन था इसका, हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड, नाइदर यू नॉर आई, बट वेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स, द विंड इज पासिंग बाई। कहता है हु हैज सीन द विंड, किसने हवा को देखा है, वही लाइन है, किसने हवा को देखा है, नाइदर यू नॉर आई, ना ही तुमने और ना ही मैंने देखा है। बट वेन द ट्रीज बाउंड डाउन, बच्चों बाउंड डाउन का मतलब, बो डाउन का मतलब होता है नीचे झुकना, नीचे झुकना, दे आर हेड्स, उनके जो सर होते हैं, उनके जो टहनियाँ होती है, बो डाउन नीचे झुकती है, द विंड इज पासिंग बाय, पासिंग बाय का मतलब होता है किसी चीज़ से होकर गुजरना, जो यहाँ पासिंग थ्रू था। तो कहता है कि हु हैज सीन द विंड, किसने हवा को देखा है, नाइदर यू नॉर आई, ना ही मैंने देखा और ना ही तुमने देखा है। बट वेन द ट्रीज, लेकिन जब वृक्षों की बो डाउन जब झुकती है, क्या, देयर हेड्स, उनकी टहनियाँ जो डुक, यहाँ हेड का मतलब आप टहनी लगा सकते हैं, टहनी, यहाँ कहता है कि बट वेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स, जब उनकी टहनी नीचे की ओर झुक जाती है, अंदर नीचे की ओर झुक जाती है, द विंड इज पासिंग बाय, तब तब पता चलता है कि हवा किसी चीज़ से होकर गुजरी है। जैसे यहाँ इस अंकल का टोपी उड़ गया है, वैसे पता चलता है कि हवा बढ़ रही है, इधर पत्ता उत्ता सब हिल डुल रहा है, चल रहा है कि पता चल रहा है कि हवा बढ़ रही है। इसी प्रकार फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी में, हु हैज सीन द विंड, नाइदर आई नॉर यू, बट वेन द लीव्स हैंग ट्रेवलिंग, द विंड इज पासिंग थ्रू। कहता किसने हवा को देखा है, ना ही तुमने ना ही मैंने, बट वेन द लीव्स हैंग ट्रेवलिंग, जब जब पेड़ की पत्तियाँ टंगे हुए पत्तियाँ हिलते हैं, द विंड इज पासिंग थ्रू, तब पता चलता है कि हवा चली है। हु हैज सीन द विंड, नाइदर यू नॉर आई, बट वेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स, द विंड इज पासिंग बाय। किसने हवा को देखा है, ना ही तुमने ना ही मैंने, लेकिन जब भी वृक्ष की टहनियाँ जब झुकती है नीचे, द विंड इज पासिंग बाय, तो पता चलता है कि जो विंड है, हवा है, वो गुजरा है। इसके लेखक करें क्रिस्टीना रोसेटी। इसमें देखिए मीनिंग दिया हुआ है, नाइदर का मतलब कोई भी नहीं, ट्रेम्बलिंग का मतलब कपकपाना, पासिंग थ्रू का मतलब होकर गुजरना, बो डाउन का मतलब नीचे झुकना, और पासिंग बाय का मतलब किसी चीज़ से होकर निकलना। ये मीनिंग आप लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे। थैंक यू, जय हिंद, टिल देन बाय।